नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस YouTube चैनल डेली अपडेट्स इंजीनियरिंग में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माइनिंग न्यूज़ के बारे में, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड की अलग अलग सब्सिडरी की अलग अलग खबरें होगी। दोस्तों, उसको हम विस्तार से जानेंगे। पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो निकल के आ रही है NCL की तरफ से। कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए NCL को मिला एशिया का सबसे बड़ा डोजर। जी हाँ दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा डोजर जो है वो अपना NCL की एक माइंस है जिसमें लगाया गया है। आपको बता दें कि NCL का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो है अल्मोरी प्रोजेक्ट। अल्मोरी प्रोजेक्ट NCL का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसी प्रोजेक्ट में अभी एशिया का सबसे बड़ा डोजर लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत का नहीं बल्कि पूरे एशिया का जो है ये सबसे बड़ा डोजर है। इसकी जो क्षमता है लगभग 890 HP का है दोस्तों। इसका जो उद्घाटन है वो मंगलवार को किया गया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा डोजर कहा जा रहा है। आपको बता दें कि आज से लगभग 12 साल पहले इसी माइंस में जो है लगभग 770 HP का डोजर लगाया गया था। आज इसको मिला के जो है NCL ने पूरी 100 बड़ी मशीन पूरी कर ली है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि NCL में कितनी मशीन चल रही है, तो दोस्तों HEMM जो है वो टोटल 100 चल रहे हैं बड़ी मशीनें। इसमें जो है एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है 890 HP का, जिसको अल्मोरी प्रोजेक्ट में लगाया गया है। दोस्तों, इसके बाद कहा गया है कि BCCL, CCL और अदर कंपनी की जो माइंस है वहां पर भी ये लगाए जाएंगे। दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वह निकल के आ रही है कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। कोल इंडिया लिमिटेड ने प्रदूषण को कम करने के लिए और हरियाली को बढ़ाने के साथ ही, अभी कोल इंडिया से एक बड़ी खबर निकल के आई कि कोल इंडिया ने लगभग 10 करोड़ पौधारोपण किया है। जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया जब से बना है तब से आज तक जो है लगभग 10 करोड़ पौधारोपण किए गए हैं। अब हमें यह देखना होगा कि इसमें कितने सक्सेस हैं और कितने अनसक्सेस। दोस्तों, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देने के साथ साथ अपना प्रदूषण को कम करने में भी कामयाब होते हैं। कोल इंडिया की स्थापना 1975 में हुई थी। 1975 से 2020 तक लगभग 10 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। इसमें करोड़ों पौधे बताए जा रहे हैं कि वो जो है अपना पेड़ का रूप ले चुके हैं, यानी कि सक्सेस हो चुके हैं। दोस्तों, ये जो खबर है कोल इंडिया की तरफ से एक बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छी खबर आई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लगभग जो है 39,842 हेक्टेयर ज़मीन पर 99.6 मिलियन पौधों का जो है पौधारोपण किया गया है। दोस्तों, 31 मार्च 2020 तक, यानी कि जो कोल इंडिया की स्थापना हुई थी 1975 से आज तक जो है लगभग 31 मार्च 2020 तक लगभग 10 करोड़ पौधे जो हैं वो लगाए गए हैं। दोस्तों, ये जो है एक बहुत ही अच्छी खबर है। आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि दोस्तों, हमने माइंस एक्ट 1952, माइन रोल 1955 और कोल माइंस रेगुलेशन 2017 से सारे MCQ तैयार कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो MCQ है इसमें 100% क्वेश्चन शामिल हैं। अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं, अगर आप लोग माइनिंग की तैयारी कर रहे हैं कोल इंडिया लिमिटेड की या अदर एग्ज़ाम की, तो दोस्तों उसके प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको बता दें कि हर माइनिंग एग्ज़ाम में लगभग 30 से 40 क्वेश्चन जो हैं वो अपना कोल माइन रोल, कोल माइंस एक्ट और कोल माइंस रेगुलेशन से आते हैं। यानी कि दोस्तों, हर कदम पे जो है आपके लिए ये PDF कारगर होने वाला है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मुझे 8982807330 इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, या मेरा WhatsApp नंबर है उस पे भी जो है आप लोग बात कर सकते हैं। दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है अपना धनबाद की तरफ से। कोल ट्रांसपोर्टर से हो रहे प्रदूषण पर लगेगी रोक। जी हाँ दोस्तों, बेल्ट कन्वेयर के जरिए जो है सीधे खदान से जहाँ पर लोडिंग होने के बाद जहाँ पर कोयले की ज़रूरत है, यानी कि पावर प्लांट तक, वहाँ तक डायरेक्ट ही कोयला पहुँचाया जाएगा। देश के 7 राज्यों में कोल इंडिया जो है अपना खनन का काम करती है, यानी कि माइनिंग का काम करती है और डिस्पेच का काम करती है। इस दौरान होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए कोल मंत्रालय जो है काफ़ी गंभीर स्थिति में है। कोल मंत्रालय ने यह डिसाइड किया है कि कोल इंडिया प्रोजेक्ट प्लानिंग विभाग ने इसमें जो है लगभग 35 स्थानों पर बेल्ट कन्वेयर से जो काम चल रहा है वो बेल्ट कन्वेयर से सीधे जो है अपना पावर प्लांट को जोड़ा जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है। दोस्तों,
आपको बता दें कि अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो निकल के आ रही है हड़ताल को लेके। जी हाँ दोस्तों, माइनिंग में जो है एक बार फिर से हड़ताल होने वाली है। कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ जो है कोल सेक्टर में फिर से हड़ताल की तैयारी चल रही है। दोस्तों जब भी हड़ताल होती है आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से सारी खबर मिलती है कि कहां पर कितने लोगों ने हड़ताल किया और कितने दिन माइंस बंद रहे, कितना नुकसान कोल इंडिया को हुआ और कितना नुकसान जो है हमारे कर्मचारियों को हो रहा है। दोस्तों सारी जो खबर है आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, केंद्र सरकार ने कोल ब्लॉक की कमर्शियल माइनिंग की नीलामी शुरू कर दी है। इसे लेकर गुरुवार को एल्टक सीटू एचएमएस ने संयुक्त रूप से वीडियो संवाद यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करी। इसमें अध्यक्षता एचएमएस के नाथूलाल पांडे, सीटू के जो है डीडी रामानंदन और कोल इंडिया लिमिटेड के कुछ कर्मचारी और अपना जो है कई सारे लोग शामिल थे। दोस्तों इन्होंने सबने मिलकर ये ऐलान किया है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है वो हड़ताल की जाएगी। दोस्तों वो जो हड़ताल होगी वो कब होगी, कैसे होगी और क्यों होगी, वो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोग जीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं या सीसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है मुझसे ज़रूर बात करें, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल सकती है। दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूं कि आप लोगों को कम से कम 50 से 60 नंबर इस हमारे पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे और भी हमारे पास पीडीएफ हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।